नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के लोकप्रिय चैनल टीवी वन इंडिया न्यूज चैनल। आज हम आपके सामने आए हैं कुछ ऐसे पहलुओं को आप तक पहुंचाने के लिए जिसे सुनकर और देखकर आप दंग रह जाएंगे। जैसा कि कोरोना महामारी ने पूरे देश की कमर को आर्थिक रूप से तोड़ दिया है, परंतु अपने यहाँ की सरकार और राज्य सरकार के साथ मिलकर वह कुछ ऐसे उपाय करने में लगी हुई है जिसकी वजह से लोगों को इस आर्थिक संकट से उबारा जाए। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा राज्य की, जहां पर नवीन पटनायक की सरकार लोगों को अच्छा रोजगार मुहैया कराने और इस आर्थिक स्थिति के संकट से उबारने के लिए प्रयत्नशील है। जैसा कि कोरोना महामारी ने पूरे क्षेत्र में और पूरे देश में ऐसा संकट पैदा कर दिया है जिससे सभी बेरोजगार हो गए हैं। न जाने कितनी तादाद में प्रवासी श्रमिक अपने घरों की तरफ पलायन कर चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि उन सभी की आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जाए जिससे वह अपने परिवार का भरण और पालन पोषण कर पाए। परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां सरकार की योजनाएं तो दूर, योजना का एक तिनका भी नहीं पहुंच रहा है। हमारे संवाददाता अजय बेहरा ने ऐसे ही एक खास कवरेज के दौरान यह लोगों तक पहुंचाया है कि जैसे आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को सरकार की सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, परंतु क्या ऐसा वास्तविकता में है? इस बात को अगर हम देखें तो बहुत सारे गांव और क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक कोई भी सुविधा नहीं पहुंची। वह सभी बेहाल हैं, परेशान हैं कि आखिर कोरोना महामारी के बाद वह अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे बाहर ला पाए। देखिए एक खास रिपोर्ट संवाददाता अजय बेहरा की, जिन्होंने एक खास गाँव में जाकर इस बात की सच्चाई को सभी के सामने रखा है कि आखिर वास्तव में समस्या है क्या। कोरोना की वजह से सारा देश में अभी लॉकडाउन जारी है। राज्य और केंद्र सरकार ने ये कोरोना की जो सनसनी फैल रही है, ये कोरोना के लिए दो चीज आ रहा है, लाइव और लोग का लाइवलीहुड, ये दोनों चीज के लिए सरकार ने एक वीक में दो दिन शटडाउन ऐलान किए हैं सिर्फ जिंदगी के लिए। लेकिन यहाँ पे एक आसान की बात दिखने मिला, कटक जिलों की एक सनानैनपुर विलेज है जहाँ पे हम वहाँ पे खड़े हैं, एक महानदी जा रहा है, महानदी का दो पार्ट यहाँ पे जा रहा है। मैं कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करेंगे, इस विजुअल दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो महानदी का दो डिवीजन हो चुके हैं, यहाँ पे एक जा रहा है तिरतोल के पास, फिर एक यहाँ पे केंद्रापड़ा के लिए जा रहा है। लेकिन ये जो केंद्रापड़ा के लिए जो महानदी रिवर जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो सनानैनपुर विलेज है, ये सनानैनपुर विलेज यहाँ पे ये नदी के किनारे में है। अभी तक यहाँ पे हमको दिखने मिला, यहाँ पे कुछ स्टोन पैकिंग नहीं है, धीरे धीरे नदी खा रहा है, किनारे खा रहा है, किनारे खा के धीरे धीरे चल रहा है गांव के लिए। अभी सवाल ये है, सरकार ने जो लोग का लाइवलीहुड और लाइव के लिए जो सोच रही है, जिंदगी लोग अच्छा वजह से जिंदगी जिएंगे, वो कैसे हो पाएंगे? लोग का यहाँ पे तो लोग का जिंदगी यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, जिंदगी का अभी यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी हमारा पास कुछ गांव वाले खड़े हैं, आइए पूछते हैं, उनके साथ बात करते हैं, क्या बोलते हो भाई? आप लोगों को परिचय देवे। प्रताप कुमार पाणी। कौन कहिबे ये जो घटना संपर्क रे कौन कहिबे? हमर प्रति वर्ष हमर गांडा होउची 300 लोक बास करचुनी, सब हरिजन संप्रदायर लोक, से एई चास उपर निर्भर करंती, किंतु प्रायतः बेसी कखारु पनीपरिया चाष हुए, किंतु प्रति वर्ष नदी खाई खाई का जाऊँ, बाली माटी टिके तेणु खाई खाई जाऊँ, कखारु एठू सप्लाई है प्राय 200-300 टन कखारु जाए प्रति वर्ष पश्चिमबंग कलिकता जाऊँ, चाष उपर निर्भर कर, किंतु चाष जमी आस्ते आस्ते नदी खाई जाऊँ, पाइका नदी, तेणु आम कौ आम गाँटा पूरा नदी पटे रही, सब लोग बंधटा नदी बंधटा आम गाँ बाहर आगुरी भाई एवं आम कौ बाहर पटे गोटे नदी बंध करवा और नदी अतड़ा जो खाऊ माटी खाई ताकि सुरक्षा करने पत्थर पैकिंग कि पत्थर स्पर कले सुविधा आम पाइपर भविष्य कौन सी सरकारी अधिकारी अबिका पर्यटन आप पहुंची? हाँ, आम गत 4 वर्ष होगा एम एल को डाकि लोकाल एम एल आसते वेद प्रकाश अग्रवाल आसते से देखिकी जाते इरीगेशन विभाग पठेले एच डीओ आसते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आसते सुपरटेन इंजीनियर भी आसते इरीगेशन रसिक कहीं किंतु एपर्त किसी करूना आम से दुखित।
केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलेंगे ये घटना के बारे में, क्या बोलेंगे? सर मैं यही तो बोलना चाहता हूँ कि हर साल फ्लड के टाइम हमारा गांव पूरा पानी से डूब जाता है। तकरीबन 400-500 लोग यहाँ पे रहते हैं, सब शेड्यूल कास्ट बिलोंग करते हैं। प्रशासन का कोई नज़रअंदाज नहीं है हमारे गाँव पर, तो हर साल देखते हैं लेकिन कोई नज़रअंदाज नहीं। बाहर लोग सब नदी बंध के से वो पाके रहते हैं लेकिन हम नदी के किनारे रहते हैं। तो हम कहते हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन का नज़र आए कैसे हम रहते हैं यहाँ पर। तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बात हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट तहसीलदार के पास जाएँ, वो आकर यहाँ पर इंस्पेक्शन करें। देखें, लोग यहाँ कहते रहते हैं फ्लड के टाइम वहाँ गांव में अंदर आए देखें, तो हर साल हम अफेक्ट ही होते हैं, किसका नज़र भी नहीं आता है यहाँ पर। भाई आपको परिचय दियंतु टिके। शरद दळई सानपुर तिंडाकुड़ा गदपुर ब्लॉक केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट जाऊँ एरिएशन केन्द्रापड़ा। कौन कहे घटना संपर्क में सर आसिक गाँव को छुईला कौन कहे संपर्क सर? ये बड़ दुखदायक घटना आम गाँव पर, आम गाँव समेत हरिजन संप्रदायर लोक ये बास करती नदी पठा प्रत वर्ष नदी नदी बनार आम गाँ बुड़ी जाए, गाँव में बहुत असुविधा हुए। यहाँ बारंबार ये नईटा खाई खाई आम गाँ खाईगला सरकार कि प्रशासन किसी इटिक पड़ूनी आज्ञा तेना आम सरकार को रिक्वेस्ट करूँ आपण मध्यम ये जिन आसिक देखु टे नदी बंध योजना कि पथर बंध योजना हेले टे नदी बंध अतरा खाइबे रहीगले टे भल सुविधा हाँ आम गाँव पर यक आपको रिक्वेस्ट करूँ प्रशासन को नजर नजर हो विषय कौन सरकारी अधिकारी आपण समस्या बुझाप आसी कि सरकारी अधिकारी टी आम तो सर आसी ना आम गाँ लोक कौन आम आमर जो विधायक मझे आसते कहले हाँ देखिया बोली कहीदे गले कहीं किए शुणुना आज्ञा। ठीक है धन्यवाद सर। आपण परिचय टी रखे। मोर परिचय रवींद्रनाथ महांती बुझे मोर मिसेस सरपंच जेटी तेंडाकुड़ा ग्राम पंचायत आ जिला केन्द्रापड़ा। कौन सर प्रतिक्रिया रखिए गाँव में समस्या अच्छी? प्रतिक्रिया हूँ आम तेंडाकुड़ा पंचायत रे साननपुर गाँव टी गोटे प्रॉपर रेवेन्यू विलेज, ये 100% आपंकर एसी पॉपुलेटेड विलेज यहाँ तेणु यहाँ संपूर्ण भाव में गोटे नदी कूल अवस्थित महानदी पाइकार अबवाहिकार अवस्थित बर्षा दिन पानीटा उठिले यहाँ गाँ भितर बुड़ी जाए तेणु ये बारंबार प्रतिवाद आम कर आईधर ये रिभर साइडटा को पथर पैकिंग करा जाओ बा गोटे घेरीबंध सरकार तरफ करा जाओ एटा करिया सत्य मध्ये आज पर्यंत सेटा कार्यकारी हेनी हो। आपण तथापि अनुमान करूचंती किछि आगु को सरकारी स्तर रे किछि सरकारी स्तर रे याकु करिवार नित्यंत आवश्यकता रहिछि एवं करिवार आवश्यक जेहेतु एटा गोटे रेवेन्यू विलेज ये विलेज रो 100% लोक अफेक्टेड होउचंती ओवर वाटर रे बडी पानी रे तेनु एटु करिवार नित्यंत आवश्यकता रहिछि। थैंक यू। अभी हम बात किए एक गांव वाले के साथ, उन्होंने जो बोले हैं, उन्होंने जो हमें बोले हैं कि अभी यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कहते कुछ सरकारी अधिकारी को ये 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 जो समस्या का निराकरण के लिए वो रिक्वेस्ट किए थे। यहाँ पे लोकल जो एमएलए है वेद प्रकाश अग्रवाल वो भी आ चुके थे लेकिन लोग का जो समस्या वो समस्या समस्या में रह गई और कागजों तक बन गई लेकिन एक्चुअली उनका प्रॉब्लम कुछ रिमेडी नहीं हुआ। अभी सवाल ये है कि राज्य और केंद्र सरकार ने जितना योजना बनाई ली ये जो योजना किसी लिए किसके लिए, साधारण गरीब लोग के लिए और ना कुछ रिच पर्सन के लिए? अभी ये सवाल लेके हम आ रही है, ये सवाल आगे क्या होगा तो हम दिखेंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज़ के लिए सुजाता गोस्वामी के साथ राज्य प्रमुख अजय बेहरा की रिपोर्ट, कटक उड़ीसा। इन सभी समस्याओं को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि सरकार और उनके अधिकारी और उनके पदाधिकारी गण धरातल स्तर पर कार्य नहीं कर रहे हैं। एक सवालिया निशान खड़ा होता है, आखिर इसका जवाब कौन देगा यह सरकार और प्रशासन ने तय करना है। संवाददाता अजय बेहरा ने जिस बखूबी से इस सच्चाई को सभी के सामने रखा है, देखना यह होगा कि इस खबर के प्रकाशित होने के बाद आखिर प्रशासन इस पर क्या सुधी लेगा। लगातार बने रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।